गाइस ये तो रुमाली रोटी लग रही है। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अभी बज रहे हैं 11:30 एंड मैं नहा धो के रेडी हो गया क्योंकि आज मुझे जाना है थोड़ा बाहर कुछ मतलब कब शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जल्दी में ही का मतलब मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान हो रहा है। तो जैसा भी जो भी देगा आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो कपड़े उपड़े लेने जाने, कपड़े लेने हैं, पैंट लेने हैं, जूते लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो मैंने कल ही बोल दिया था घर पे कि आज जाऊंगा मैं लेने के लिए, फिर बाद में कैसे टाइम नहीं मिलेगा तो जा नहीं पाएंगे एंड सारा काम रखा ही जाएगा कपड़े मतलब शॉपिंग वगैरह करने के लिए। चलते हैं किसी मॉल में जाएंगे, देखेंगे कौन से मॉल में जाएंगे, जो मॉल में वेराइटी ज़्यादा मिलेगी, ब्रांड ज़्यादा मिलेंगे वो मॉल में जाएंगे। बाकी अगर एक ब्रांड से नहीं, अगर एक ब्रांड से नहीं पसंद आया तो दूसरे ब्रांड में जा सके, तो वही चीज़। तो अभी फटाफट से निकल रहे, नहा धो के आया हूँ, बस रेडी होते हैं देन उसके बाद निकलते हैं सीधा अपना शॉपिंग करने। चलो ओके सो गाइस निकले हैं, देखते हैं कौन सा यहीं पर थाना वाना में मॉल है वहीं पर जाएंगे एंड देखेंगे कि क्या खरीदते हैं, कलेक्शन क्या है एंड शूट करने मिलता है क्या है क्या नहीं। लेना तो फॉर्मल ही है क्योंकि फंक्शन कुछ ऐसा है कि फॉर्मल ही जाएगा उस पर। तो देखते हैं कि क्या लेते हैं और क्या नहीं एंड आपको भी बताएंगे कि क्या क्या कलेक्शन है एंड जो भी रहेगा सिस्टम पूरा वहाँ पर बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए पहुँचते पहले मॉल में, उसके बाद मिलते हैं। चलो ओके सो गाइस, ऑटो मिल गई है एंड निकल गए बिबियाना मॉल के लिए निकले क्योंकि वहाँ पे ब्रांड्स ज़्यादा है। मैंने गूगल पे चेक किया, एक वहाँ पे नज़दीक में फोरम भी है बट फोरम में कैसा ना ब्रांड्स काफ़ी कम है, मतलब लिमिटेड है, मतलब ऐसा उंगलियों पे गिन सकते उतने हैं ब्रांड, और बिबियाना में थोड़े से ज़्यादा ब्रांड है तो ऑप्शन थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे वहाँ पे। तो इसके लिए बिबियाना के लिए निकले एंड यहाँ से ऑटो मिलने के लिए, बाप रे हमारे घर के यहाँ से ऑटो मिलने के लिए इतना मुश्किल है, इतना टंटा होता है ऑटो का कि मतलब ऑटो जाती नहीं क्योंकि वो चेक नगा पार करके ऑल तो थाना पड़ जाता ना, तो इसके लिए यहाँ की ऑटो वहाँ पर जाती नहीं ज़्यादा वही चीज़ें। तो अभी तो फिलहाल मिल गया ऑटो, अभी निकलते हैं फिर वहाँ से आने के लिए ऑटो को देखना पड़ेगा यार, वहाँ से आने के लिए भी ऑटो नहीं मिलता क्योंकि बीच में चेक नाका पड़ता है ना, तो चेक नाका से जल्दी क्रॉस नहीं करता। खैर कोई नहीं, अभी तो निकल गए, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। भैया भगवान क्या हो गया, क्या एकदम गुस्सा गुस्सा ही दे रहा है यार। कोई नहीं अभी निकलते पहुँचते भी ना, उसके बाद फिर से आपसे दिखाते हैं क्या कलेक्शन है एंड वही चीज़ है अगर शूट कर पाए तो ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ होती है ना थोड़ी सी शर्म वरम होती है यार, शूट नहीं कर पाते क्योंकि आसपास बहुत लोग होते ना। खैर कोई नहीं, जैसा भी सिस्टम रहेगा वहाँ का बताएंगे, अभी के लिए फिलहाल मिलते हैं आपसे और तक। तो गाइस ये तीन शर्ट मेरे को अच्छे लगे, एक ब्लू कलर, एक थोड़ा सा पिंकिश टाइप है और एक चॉकलेटी। तो कलेक्शन तो काफ़ी सारे हैं बट मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है इसमें, कलेक्शन बहुत है बट नहीं पसंद आ रहा। ऐसे चेक्स वैक्स मुझे पसंद नहीं आते, ऐसे चेक्स वैक्स मुझे ऐसा प्लेन ही चाहिए। तो प्लेन में एक ये कलर है, एक ये ग्रीन टाइप, ये भी नहीं अच्छा लग रहा मेरे को, और ब्लैक तो इतने हैं कि मैं ले ही नहीं सकता ब्लैक। तो कलेक्शन बहुत है बट पसंद कम आ रहे हैं। ये एक है बट ये ऑफिस वेयर है, तो देखते हैं ये तीन शर्ट पसंद आए जाके ट्रायल रूम में जाके चेंज करके आते हैं, फिर देखते हैं क्या है हिसाब। तो गाइज़ ये तीन टी शर्ट लाया हूँ, 1, 2, 3, तो इसको ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा लगता है। अगर इसमें से पसंद आया तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आया तो कहीं और देखेंगे। और मुझे शॉपिंग करने में इतना आलस आता है लिटरली, मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा आलस आता है मेरे को। बट ठीक है, ये तीनों टी शर्ट ट्राई करते हैं एंड आप भी बताना कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। तो चलते हैं टी शर्ट नंबर 1 की तरफ, ब्लू की तरफ चलते पहले। तो चलो ओके सो गाइस, पहली वाली शर्ट कुछ ऐसी लग रही है, मुझे इतनी कुछ खास नहीं पसंद आ रही है, मतलब एवरेज ही लग रही है और क्रम्पल्ड और है। नो नहीं। तो अभी गाइस ट्राई करते हैं ये वाला भी ठीक ठाक लग रहा है, ये वाला ट्राई करते हैं। चलो ओके सो गाइस, दूसरी वाली ऐसी लग रही है, मैं दिखाऊँ आपको आइडिया। ये भी क्रम्पल लग रही है यार, इससे मतलब टी शर्ट मुझे पसंद नहीं है, क्रम्पल क्रम्पल होना मुझे शर्ट पसंद नहीं आती यार। कोई नहीं, लूज भी है और नहीं अच्छी लग रही है, एवरेज, इसको भी एवरेज एवरेज वर्क्स। अब ये वाली ट्राई करते हैं, चॉकलेट वाली, ये देखते हैं ये कैसी लग रही है। ये तो साइज़ में भी बड़ी है भाई, ये जो नॉर्मल साइज़ लाया हूँ ये, और ये जो साइज़ है इससे बड़ी ये साइज़ है, अब इसको ट्राई करते हैं।
ये भी ठीक ठाक है, ये भी नहीं लूँगा, इसको ट्राई करते हैं। चलो वैसे गाइस ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है कलर वाइज, मतलब अच्छी लग रही है ये वाली, बट इस साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसको ट्राई करता हूँ छोटे साइज़ में। एक साइज़ छोटा आई गेस थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा। ट्राई करते हैं गाइस इसको एक बार, देखते हैं इसका एक साइज़ छोटा देखते हैं, अभी मतलब ठीक है, ओके ओके है ये वाली, एक साइज़ छोटा ट्राई करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है। ओके तो गाइस वो जो चॉकलेटी वाला था उसमें तो साइज़ मिला ही नहीं, वो एक लास्ट ही साइज़ था, उससे छोटा साइज़ है ही नहीं, उससे तो बड़े बड़े साइज़ छोटा साइज़ है ही नहीं। तो मैं ये दो बाकी और दो शर्ट लेके आया हूँ, एक ग्रीन कलर का और एक ये ब्लैक है कि ब्लू है क्या पता, जो बंदा था वो तो बोल रहा था ब्लू है, बट मेरे को तो नहीं लगता ये ब्लू है, ब्लैक ही लग रहा है। खैर कोई नहीं, ये दो शर्ट ट्राई कर देंगे अभी एंड देखते हैं कैसा लगता है। इसके एक्चुअली इसका ये जो वाले जो कपड़े हैं इसके फैब्रिक अच्छे हैं, मतलब क्लोथ अच्छा है इसका, तो देखते हैं गर्मी भी नहीं लगेगी। एंड जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ लोकेशन जहाँ है वहाँ पे गर्मी चलती है बारिश में, तो वो चीज़ है। तो अभी देखते हैं ये दोनों ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा लगता है। सबसे पहले ये ग्रीन वाला ट्राई करते हैं यहाँ पर। चलो भाई आधे का हिस्सा का इधर आधे का एक दो साइज देखो एंड स्लीव्स ही गायब है, हाफ स्लीव्स है ये तो गाइस ये ग्रीन वाला तो ट्राई किया, बट ये ब्लैक वाला नहीं ट्राई कर रहा हूँ, ब्लैक और ब्लू जो भी है इसको नहीं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है हाफ स्लीव्स है और हाफ स्लीव्स लेना नहीं है, मेरे को पता नहीं था तुमने उठा ला है, फैब्रिक अच्छा है एक्चुअली इसका, बाकी तो कुछ नहीं। तो चलो चलते हैं, इसको दोनों को डालते हैं उसमें मैं तो पहना मेरे को हंसी आ गई। अभी मैं एक शोरूम में हूँ, इसके शोरूम का नाम है एसॉर्ड एंड ये नया बना है यहाँ पे। डूड क्या शोरूम है यार, मां देखो चेंजिंग रूम देखो, अभी मैं बाहर से भी दिखाता हूँ आपको, चेंजिंग रूम देखो आप कितना क्लासिक। और अभी मैंने यहाँ से तीन मतलब ये दोनों शर्ट लिए, एक ब्लू, एक ये वाला ब्लू कलर का, एक ये वाइट और एक ये पैंट। तो अभी ये पहन के देखते हैं कैसा है। कपड़ा तो भाई क्वालिटी बहुत मजबूत है एंड भाई यहाँ का शोरूम भाई एकदम क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आई डोंट नो, मैं थोड़ा स्लो बात कर रहा हूँ रीजन के आसपास भी है ना, तो उस वजह से। तो अभी देखते हैं कि ये वाला शर्ट कैसे लगते हैं, सबसे पहले ये वाला ट्राई करते हैं ब्लू वाला। चलो ओके सो गाइस ये शर्ट कुछ ऐसा लग रहा है एंड मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है डूड, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ पहना करके, मस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखो ना मस्त लग रहा है शर्ट। अभी इसमें ना मैं ग्रीन वाली पैंट पहन के, मतलब ग्रीन बोल रहा हूँ सॉरी, वो ब्लैक वाली पैंट पहन के देखता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा लग रहा है, फिर बताएंगे फाइनल कॉल लेना है कि नहीं। चलो तो गाइस ये फुल अटायर मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है एंड कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा लेना चाहिए कि नहीं, बट देखते हैं। अभी तो वाइट शर्ट बचा है, वो भी पहनना बचा है, तो वाइट शर्ट पहन के देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कंक्लूजन कि लेना क्या है ये कि वो, देखते हैं। चलो गाइस ये तो रुमाली रोटी लग रही है इतना पतला कपड़ा है, लिटरली इतना स्मूथ, बोलते हैं ना कि रुमाली रोटी, एकदम इसको पहना मैं रुमाली रोटी याद आया मेरे को, इतना ढीला है, देखो ये देखो सिस्टम, बट ये नहीं भाई ये नहीं पहन सकते, ये नहीं ले सकते ये, ठीक है पार्टी वेयर मस्त है ये कपड़ा, क्लोथ बहुत अच्छा है यार इसका, जो ये क्लोथ A1 क्वालिटी A1, बट जो फंक्शन है उसमें तो पहन के नहीं आ सकते। तो देखते हैं ये वाला फाइनल करेंगे शायद, देखते हैं अभी बताते हैं, अभी और भी देखेंगे और कुछ अच्छा लगे तो फिर बताते हैं। चलो ओके सो गाइस इन करने के बाद तो बहुत क्लासी दिख रही है, एकदम मस्त दिख रहा है भाई, अच्छा लग रहा है शर्ट, अच्छा लग रहा है एक्चुअली, एकदम मस्त लग रहा है, देखो है ना मस्त दिख रहा है, बट बहुत महंगा है शर्ट बहुत महंगा। और एक और सिस्टम दिखाता हूँ गाइस यहाँ लाइट का, देखो जैसे लाइट का सिस्टम भी यहाँ पे, ऐसा कोई भी चेंजिंग रूम में नहीं देखा मैंने लाइट का सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये लाइट ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ देखिए, अब यहाँ पे ऑन करूँगा तो लाइट ऑन हो जाएगा, मस्त सिस्टम। तो अभी बहुत सारे सिस्टम है, प्रीटी फॉर्मल कैजुअल, तो बहुत सारे सिस्टम है, अभी फिलहाल तो प्रीटी पे चल रहा है, सॉरी कैजुअल पे चल रहा है, अभी देखो कैजुअल पे चल रहा है, देखो अभी मैं जैसे प्रीटी पे क्लिक करूँगा देखना अभी। चलो भैया ये देखो जादू मैजिक, मस्त यार ये आपको विजिट करना चाहिए, रिकमेंडेड है
कपड़े भी अच्छे हैं इसके और पूरा सिस्टम भी, बाहर का भी सिस्टम दिखाता हूँ आपको, बैठने का क्या सीन है। चलो अभी देखते हैं कौन सा लेना, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ओके तो गाइज करंटली हम है एजॉर्ड में एंड ये थाना विवियाना में है। भाई यहाँ का कलेक्शन में क्या ही बताऊँ आपको, फ्लिप फ्लॉक्स के कलेक्शन आप देख लो, आप शूज़ के कलेक्शन देख लो, फ्लिप फ्लॉक्स का देखो यार ये मेरे को बहुत पसंद आया, कोको कोला का ये पसंद आया, शूज़ के देखो यार शूज़ के कलेक्शन क्या भारी है, मतलब मेरे को लिटरली बोलूँ मैं पूरा मतलब मॉल में जो बोलते हैं ना कि एकदम फुल सेटिस्फेक्शन, तो पूरा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे। डूड यहाँ पे क्या चाहिए आपको, कितना पैसा लेके आ सकते हो, लेके आओ सारा खाली कर देंगे भैया। बाकी इनने हमें पूरा गाइड किया तरीके से, काफ़ी अच्छा स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का एंड बहुत मज़ा आया डूड। अगली बार से हमारा यही जो है परमानेंट क्या बोलते हैं कि अड्डा होगा शॉपिंग करने का, बहुत मज़ा आएगा। शूज़ वूज़ तो बहुत सारे दिख रहे हैं बट अभी तो फिलहाल जो हमें चाहिए वो है नहीं, मुझे ऐसा बड़े कॉलर में चाहिए था ऐसे शेड में बट है नहीं, खैर कोई नहीं कहीं और देख लेंगे। अभी कह रहे तो फिलहाल हमने शर्ट और पैंट ले लिए एंड देखते हैं बिलिंग काउंटर पर कि क्या होता है कितना खाली होता है पैसा। ओके तो गाइस अभी लग रही है भूख तो एक बर्गर ऑर्डर कर दिया है, दो क्रिस्पी बर्गर और एक कोक, तो क्रिस्पी बर्गर और कोक से हो जाए क्योंकि घर से कुछ खा के भी नहीं आया था ना मैं, तो यहाँ से बर्गर किंग में से मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो फटाफट से अपना ऑर्डर लेके वहाँ जाके कहीं जाके भीड़ में बैठ जाएंगे, अच्छा बैठ के खा लेंगे, घर से कुछ खा के भी नहीं आया था मैं तो वो भूख लगने लग गई एकदम, फटाफट से अपना लेते भी खाते। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ मॉल से एंड जो शॉपिंग है वो पूरी हो गई है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बैग वैग कर चुका है एकदम, तो शॉपिंग जो है वो हो गई है एंड अभी घर के लिए निकला, अभी टाइम भी आप देख सकते हो कि टाइम 6 बज गया है, तो अभी निकला हूँ, तो अभी पहुँचते घर के लिए, पहले पहुँचते घर पर क्योंकि बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है एंड छाता वगैरह लाया नहीं हूँ एंड छाता नहीं देगा तो पूरा गेम हो जाएगा, भीग जाऊँगा पूरा, तो फटाफट से पहुँचते पहले घर फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे एंड आपको बताते हैं क्या क्या लिया। एंड एक और चीज़ गाइस कि जो आराम से तो जो चीज़ हमने वहाँ पे डिसाइड किया था कि मॉल में क्या क्या लेना है वो हमने लिया ही नहीं, हमने दूसरा ही कुछ चीज़ लिया, तो जो भी देगा उसके लिए आप वेट करना, उसको बताएंगे ज़रूर, तो फिलहाल के लिए पहुँचते घर। ओके सो गाइस अभी थोड़ा टाइम हुआ घर पे आया एंड टाइम हो रहा है 8 में तकरीबन 6:15 आसपास आ गया था, फ़ोन में चार्जिंग था नहीं बिल्कुल भी, फ़ोन को लगाया था चार्जिंग पे, अभी फ़ोन खाया पिया कुछ फिर उसके बाद अभी बैठा हूँ एडिटिंग करने के लिए, 8:15 एडिटिंग करने बैठा हूँ, एडिटिंग मॉर्निंग सुबह से निकला हूँ मैं एंड अभी आया हूँ 6:15 घर पर, तो कोई नहीं गाइस अभी नींद आ रही है बहुत तेज़ से क्योंकि बहुत घुमा आज मैंने, बहुत घुमा आज कपड़ों के चक्कर में बहुत घूम लिया मैंने आज, तो अभी नींद आ रही है मुझे, मैं थक गया हूँ पर एडिटिंग बची, एडिटिंग करनी है तो फटाफट से जाते हैं एडिटिंग ख़त्म करते हैं उसके बाद मिलते हैं क्योंकि टाइम कम है, एडिटिंग थोड़ा सा बचा है ज़्यादा क्योंकि स्टार्ट भी नहीं किया, डेटा भी अभी जस्ट ट्रांसफ़र किया बाहर, डेटा ट्रांसफ़र किया एंड अभी अंदर आया शूट करने के लिए क्योंकि बाहर डैडी वगैरह बैठे हैं दोनों बात कर रहे हैं, तो फालतू कैमरा घुसड़ना बीच में मेरे को पसंद है, तो वही चीज़ें तो फटाफट से चलते गाइस एडिटिंग ख़त्म करते हैं, अपलोडिंग पर लगा दें वीडियो को, फिर मिलते हैं आपसे वापस। ओके सो गाइस जस्ट एडिटिंग खत्म हुई है, वीडियो को लगाया रेंटर पे, रेंटर हो जाएगी उसके बाद हो जाएगी अपलोड, वही 19:20 ऊपर नीचे, एक आधा दो मिनट ऊपर नीचे आएगी वीडियो, कोई टेंशन नहीं एंड फिर चलेंगे खाना बनाएंगे, यार मुझे अभी से नींद आ रही, अभी से नींद आ रही ऐसी वाली तगड़ी वाली, ऐसा मन कर रहा है सो जाऊँ बट खैर कोई नहीं, अभी काम है थोड़े मोड़े करेंगे थोड़ा टाइम, टाइम पास बज रहा है 9 बज गए हैं बस सो जाएंगे 10-11 बजे तक, क्या उस टेंशन कोई नहीं, रेंटर हो जाए वीडियो लगाते अपलोडिंग पर फिर डिनर के टाइम मिलता है। चलो ओके सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30 एंड डिनर वगैरह जो है सब कुछ हो गया है एंड बस अभी सीधा सोने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा थक गया हूँ मैं एंड मुझे नींद तकरीबन 9 बजे से नींद आ रही है मुझे कि भाई सोना है सोना है सोना है क्योंकि मैं इतना घुमाऊँ, लिटरली मैं इतना घुमाऊँ आज मॉल में,
वही बात है कि शूट कम किया हूँ क्योंकि अभी ब्लॉगिंग चालू हुई है तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरे से अभी भी बात करने के लिए। फिर भी बहुत हिम्मत करके मैं कहीं ना कहीं बनाता हूँ क्योंकि लोग इतने वियर्ड रिएक्शन देते हैं ना कि मैं आपको एक्सप्रेस करके बता नहीं सकता कि क्या है। तो बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्शन मैंने जो छोटे मोटे भी शूट किए हैं मॉल में, जो एक आधा दो क्लिप भी शूट किया रहेगा आज के दिन में मॉल में, तो भी इतने वियर्ड रिएक्शन मिले मुझे कि यार फिर बहुत ज़्यादा अंदर ऐसा लगता है कि यार इंसान क्या सोच रहा रहेगा, क्या बोल रहा रहेगा। बट खैर वो सारी चीज़ें तो मैं अभी सोचना कम कर देता हूँ। जब मेरे इनिशियल डेज में पहले जब ब्लॉगिंग करता था तब मैं बहुत सोचता था ये सारी चीज़ के बारे में कि यार ये सामने वाला क्या सोच रहा रहेगा, ये वो ऐसा वैसा, पहले बहुत सोचता था। बट अभी मैंने बहुत कम कर दिया सोचना, मतलब बोलते ना कि अगर मैं पहले 100% सोचता था तो मैं अभी 70-80% मैंने लोगों का सोचना छोड़ ही दिया है कि भाई जो जिसको जो जो सोचना है सोचे भाई, मेरे को मेरा काम करना। बट वो होता ना अंदर से थोड़ा सा जो होता ना वो एक आधा परसेंट तो वो रह जाता है, तो अभी वो धीरे धीरे करके हट जाएगा। ऐसा मतलब ये नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इम्पॉसिबल है चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉसिबल है, धीरे धीरे करके होगा ना, जो भी चीज़ होगी धीरे धीरे करके, तो वही चीज़ है। तो करेंगे 100%, क्योंकि आज से अगर मैं एक साल पहले का देखूँ तो एक साल पहले तो मैं कैमरा लेके बात ही नहीं कर सकता था, मेरे को खुद से ही शर्म आती थी। बट बड़े भैया की कृपा से अभी बहुत सारी चीज़ें सुधर गई, बहुत सारी चीज़ें। आज मैं इस टाइम पे अगर मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे भी खुद को ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार बहुत सारी चेंजेस है यार, सनी यार वेरी गुड, यू आर गोइंग इन अ गुड वे, मतलब अच्छा जो बरकत बोलते ना, ये अच्छे लेवल पर हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सेटल होगी, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हट जाएंगी एंड बाहर भी बहुत जल्दी शूट हम चालू करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो इतने छोटे मोटे से काम आप भी चला लोगे, मैं भी चला ले रहा हूँ, तो वही चीज़ें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं, चैनल पर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अभी तो बाकी